हेलो वेलकम गाइज, मेरा नाम है नमन और आप देख रहे हैं एंड्रो वाइड। आज के अपने इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि हमारे एसुस जेनफोन मैक्स प्रो M2 डिवाइस के ऊपर पहला OTA अपडेट आया हुआ है। जब से ये डिवाइस लॉन्च हुआ, जब से ये डिवाइस हमारे हाथ में आया, उसके बाद ये पहला OTA अपडेट है। तो यहाँ पे क्या क्या इम्प्रूवमेंट किए गए हैं, क्या क्या नए फीचर्स ऐड किए गए हैं इसमें, ये मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम इसे इंस्टॉल करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे ASUS सॉफ्टवेयर अपडेट आया है, तो सबसे पहले डिटेल्स हम चेक करते हैं। देख सकते हैं यहाँ पे अ न्यू सिस्टम अपडेट इज़ प्रोवाइडेड टू इम्प्रूव स्टेबिलिटी, दिस वॉन्ट क्लियर एनी ऑफ योर डेटा, डाउनलोड इट नाउ। तो कोई भी डेटा वाइप नहीं करेगा ये, और ये 458 MB का ये जो सॉफ्टवेयर अपडेट है टोटल, ये इतने साइज का है। तो सिंपली हम यहाँ से इसे डाउनलोडिंग पे लगा देते हैं। अब इसी दौरान मैं आपको जब तक डाउनलोड हो रहा है दिखा देता हूँ कि जैसे हम चलते हैं सेटिंग्स में, सिस्टम में, और अबाउट फ़ोन में चलते हैं, तो देख सकते हैं अक्टूबर का सिक्योरिटी पैच हमारे फ़ोन में इंस्टॉल्ड है। एंड्रॉयड 8.1.0 ओरियो पे चल रहा है हमारा डिवाइस अभी। तो देखते हैं कि इसके बाद हमारे डिवाइस में क्या क्या नए फीचर्स ऐड होते हैं, क्या क्या नई चीज़ें ऐड होती हैं, क्या क्या बग फिक्सेस किए जाते हैं। तो ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो रहा है, पहला फोटो आया हुआ है जो ASUS की तरफ से, वो ये है। तो यहाँ पे जैसे कि शायद आपको पता होगा, इसमें फ्रंट कैमरा में अभी भी पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट नहीं दिया गया है। तो हो सकता है इस अपडेट के बाद आपको पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट देखने को मिल जाए। तो देखते हैं, पहले ये सॉफ्टवेयर डाउनलोड हो जाए, उसके बाद इंस्टॉल हो जाए, उसके बाद मैं आपको दिखाता हूँ क्या क्या नए चेंजेस में आए हैं। तो गाइस, यहाँ पे हमारे ASUS ZenFone Max Pro M2 डिवाइस में ये जो पहला फोटो अपडेट आया था वो इंस्टॉल हो चुका है, और इंस्टॉलेशन का प्रोसेस होने में तकरीबन 5 मिनट लग जाते हैं। तो फ़ोन को आप ऑफ मत करिएगा उस टाइम पे, और फ़ोन में इनफ बैटरी रखिएगा ताकि फोटो अपडेट इंस्टॉल हो जाए। सबसे पहले मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा कि मुझे इसकी जानकारी दी थी मदन गायकवाड़ भाई ने, तो उनका यूट्यूब चैनल भी है, अगर आप चाहें तो उनके चैनल को चेकआउट कर सकते हैं और उन्हें सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले चलते हैं हम इसकी सेटिंग्स में, और सेटिंग्स में देखते हैं कि भैया सिस्टम में अबाउट फ़ोन में, तो यहाँ पे देख सकते हैं नवंबर का सिक्योरिटी पैच अपडेट आ चुका है हमारे इस ASUS ZenFone Max Pro M2 डिवाइस में। और कुछ ज़्यादा खास चेंजेस मैंने नोटिस नहीं किए, लेकिन एक काफ़ी बड़ा चेंज यहाँ पे दिया गया है। यहाँ पे आपको फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड का सपोर्ट दे दिया गया है। जैसा कि शायद आपको पता रहा होगा कि ASUS ZenFone Max Pro M2 डिवाइस जब लॉन्च हुआ था, तो इसमें आपको रियर कैमरा में पोर्ट्रेट मोड दिया गया था, लेकिन फ्रंट कैमरा में पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन नहीं मिलता था। तो अब यहाँ पे फ्रंट कैमरा में भी पोर्ट्रेट मोड का ऑप्शन दे दिया गया है, तो ये काफ़ी कमाल की बात है। और जनवरी में आपको इस डिवाइस में एंड्रॉयड 9.0 पाई भी देखने को मिल जाएगा, तो ये डिवाइस काफ़ी कमाल का होने वाला है। ओवरऑल अगर बात करते हैं तो कोई और खास चेंजेस मैंने नोटिस नहीं किए हैं इसके अलावा। ये एक सिक्योरिटी पैच अपडेट था, और कुछ नए फीचर्स हो सकता है इंक्लूड किए गए हों, या फिर अगर आपने कुछ और नए फीचर्स को नोटिस किया हो तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए। बाकी मैं आपको यहाँ पे कुछ सैंपल्स दिखा देना चाहता हूँ फ्रंट कैमरा के जो पोर्ट्रेट मोड का, तो आप ये सैंपल्स देखिए और बताइए कि आपको क्वालिटी कैसी लगी। बाकी अगर आपको इस टाइप की और भी वीडियोस देखनी है तो मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए और कॉमेंट करिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।